आज डाउटनेट आप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सॉल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। हेलो दोस्तों, प्रश्न है हमारे पास कि cot 25 + cot 55 बटे tan 25 + tan 55 + अगले वाले में पद में दे रखा हमें कि cot 55 + cot 100 और नीचे दे रखा है tan 55 + tan 100। क्लियर। और आगे प्लस में दे रखा है तीसरा पद जो है हमारा वो है cot 100 + cot 25 और नीचे दे रखा है हमारा क्या tan 100 + tan 25। क्लियर। तो देखिए कैसे करना है इस सवाल को, हमें इसका हमें मान बताना है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ से पहले जो हमें दिया रहा है ये जो ऊपर वाले cot वाले वेरिएबल हमने अगर हम tan में बदल लें तो हम आसानी से सवाल का आंसर निकाल सकते हैं। देखिए अगर हम ऊपर वाले को tan में बदलते हैं तो 1/tan 25 + 1/tan 55 और बटे में पूरे में क्या है हमारा tan 25 + tan 55। ऐसे हम अगले वाले पद में भी तोड़ देंगे 1/tan 55 + 1/tan 100 बटे में क्या आ जाएगा हमारा, बटे में आ जाएगा tan 55 + tan 100। ऐसे ही हम क्या करेंगे अगले वाले पद को, तो tan जो ऊपर cot में लिखा उससे क्या बदल देंगे tan, तो ये 1/tan 100 + 1/tan 25 और बटे में क्या आ जाएगा हमारा पूरा tan 100 + tan 25। इतनी बात में कोई दिक्कत? अब देखिए हम आगे बढ़ते हैं अगले कदम पे हमें क्या करना है, नेक्स्ट स्टेप में हमें क्या करना है। देखिए यहाँ tan 25 और tan 55 एलसीएम लेंगे तो ऊपर क्या आ जाएगा tan 55 + tan 25, ऊपर क्या आ जाएगा हमारा tan 55 + tan 25 और नीचे क्या आ जाएगा हमारा ये जो एलसीएम आया है tan 25 और tan 55 ये भी आएगा, tan 25 और tan 55 भी आएगा और नीचे पहले से ही लिखा रखा है tan 25 tan 55, इसको भी हमने क्या कर दिया ऐसे ही लिख लिया यहाँ पर। अब अगले स्टेप में भी हम यही करेंगे तो ऊपर यहाँ पे क्या आ जाएगा tan 100 + tan 55 बटे पूरा जो लासा लिया हमने tan 100 degree और tan 55 degree और ब्रैकेट में हमारा क्या आ जाएगा tan 100 को पहले लिख लेते हैं तो काटने में आसानी होगी tan 55 degree। क्लियर। अब नेक्स्ट तीसरा जो हमारा पद है उसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी यही करेंगे तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा हमारा tan 100 + tan 25 और बटे में हमारा क्या आ जाएगा पूरा tan 100 और 25 आएगा पहले तो, क्योंकि वो लासा ले रखा है हमने और अंदर हमारा क्या बच जाएगा tan 100 + tan 25। यहां तक हम आसानी से पहुंच सकते हैं। अब हमें क्या करना है, कुछ नहीं, नीचे देखिए ऊपर से कैंसिल हो जा रहा सारा पद, नीचे से हर वैल्यू क्या हो जाएगी कट जाएगी। कैसे कटेगी, देखिए ये पूरा वाला जो पद है हमारा ये पद और ये वाला पद और ये वाला पद, ये देखिए इससे पूरा कैंसिल हो जाएगा, ये इससे पूरा कैंसिल, ये वाला इससे पूरा कैंसिल और ये वाला इससे पूरा कैंसिल। तो हमारे पास बचेगा क्या, देखिए tan को अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो cot 25 cot 55 और यहाँ पे क्या बचेगा cot 100 cot 55 और यहाँ पे क्या बचेगा cot 100 और cot 25। ये हमारे पास आ चुका है। अब ये देखिए अभी हम लोगों ने एक पहले सूत्र भी पढ़ रखा है कि अगर cot a cot b cot c, अगर a प्लस बी का मान, देखिए मैं यहाँ पे लिख देता हूँ कि a प्लस बी अगर हमारा, इफ a प्लस बी प्लस सी, यदि a प्लस बी प्लस सी 180 डिग्री होगा
तो कॉट ए कॉट बी प्लस कॉट बी कॉट सी प्लस कॉट सी कॉट ए का मान क्या होगा? एक होगा, एक होगा, क्लियर। तो अब हम यहां से लिख सकते हैं कि देखिए, अब यहां हम चेक करेंगे ए प्लस बी प्लस सी हमारा 180 के बराबर है या नहीं है। ए प्लस बी प्लस सी हमारा 180 के बराबर है या नहीं है। देखिए, अगर हम यहाँ पे इसको ए मानते हैं 25 को और बी को 55 मानते हैं, तो तीसरा हमारे पास सिर्फ 100 बच रहा है। तो अगर हम 25 और 100 और 55 को अगर जोड़ते हैं, तो देखिए क्या ये 180 के बराबर है? बिल्कुल है, जोड़ देंगे तो 180 आ रहा है। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं इस वाली लाइन को डायरेक्ट, कि जो हमारा कॉट 25 और कॉट 55 और कॉट 100 प्लस कॉट 100 कॉट 55 प्लस कॉट 100 और कॉट 25 का मान क्या होगा? हमारा एक के बराबर होगा। यही हमारा क्या होगा इस प्रश्न का उत्तर। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400400400 पर।